रफ्तार मीडिया के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं खास मेहमान बस्ती के डीएफओ जेपी सिंह जी। सर, सर्वप्रथम रफ्तार मीडिया की चैनल की तरफ से आपको इस महाअभियान के सफल होने की अग्रिम बधाई। थैंक यू सर। इस वर्ष बस्ती जनपद में पौधारोपण का क्या लक्ष्य रहा है और गत वर्ष की अपेक्षा कितना क्या अंतर है? आपकी बार जो अपने प्रदेश का लक्ष्य है वो है 36.50 करोड़ का, जिसमें बस्ती जिले का लक्ष्य जो है 38.86 लाख का है, इसमें वन विभाग का 12.08 लाख का है तथा अन्य विभाग का 26.78 लाख है। सर, इस वर्ष गत वर्ष में जो पौधे रोपण हुए थे उसमें तक कितने लगभग प्रतिशत पौधे जीवित हैं? पौधों की जीवितता काफी अच्छी है, इसकी थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी की गई तो प्रतिशत कमाने बहुत अच्छा है। सर, रोपित पौधों और जीवित पौधों का अनुपात विभाग कितना मानता है? नहीं, ये वर्षवार माने जो है उसका एक शासनादेश है कि पहले वर्ष में 95% के अवब होना चाहिए, दूसरे वर्ष में माने 91% 90% होना चाहिए, इस प्रकार है उस शासनादेश के हिसाब से माने उसकी सफलता माने होती है। सर, रोपित पौधे की देखभाल के लिए विभाग द्वारा क्या कुछ उपाय किए जाते हैं? जो हमारे क्षेत्र होते हैं उसकी फेंसिंग की जाती है, सुरक्षा खाई खोदी जाती है, उस पर माने श्रमिक लगाए जाते हैं, जो पौधे मर जाते हैं उसको बदलवा दिया जाता है, ये सतत प्रक्रिया है, इसमें माने पूरा विभाग हमेशा लगा रहता है और इसकी मॉनिटरिंग करता रहता है। अक्सर देखा जाता है कि ग्राम प्रधानों द्वारा यहाँ से पौधे को ले जाते हैं लेकिन ले जाकर डंप कर देते हैं और कुछ दिन बाद जब वो पौधे सूख जाते हैं तो वो वहां से मतलब उनको उखाड़ मतलब हटा दिया जाता है, तो इन चीजों को मॉनिटरिंग के लिए विभाग क्या करता है? जो किसानों को दिया जाता है, अन्य विभागों को दिया जाता है, ग्राम सभा को दिया जाता है, उसमें किसान अबकी बार माने जो है उसकी सुनिश्चित करेंगे, उसकी जियो टैगिंग करेंगे। अब वैसा नहीं होगा कि माने पौधे माने फेंक दिए जाए या ऐसा कुछ कर दिए जाए, जहां पौधे लगेंगे उनका फोटोग्राफ होगा। और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का जो 5 जून को उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था कि एक पौधा माँ के नाम, उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार को जो 36.50 करोड़ पौध लगाने का लक्ष्य मिला है उसमें पौध को लगाना है, अपनी माँ के साथ लगाना है या माँ के माने जो है याद में लगाना है, माँ के सम्मान में लगाना है, और उसको मेरी लाइफ पोर्टल जो भारत सरकार का है उस पर अपलोड करना है। तो पौधा लगाना है, उसको जियो टैगिंग करना है, उसको अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि पौधे नहीं लगाए जाएंगे, पौधे लगने हैं, उसकी फोटो माने जियो टैगिंग करके उसको मेरी लाइफ पर माने अपलोड भी करना है। सर, एक सवाल ये है कि इस बार जो पौधारोपण होने जा रहा है बस्ती जनपद में खासकर, इस बार पौधारोपण की क्या विशेषता है? क्योंकि जैसा सुनने में आ रहा है कि माँ बन रहेगा, भाई बन रहेगा, एक पौधा भाई के नाम, एक पौधा बहन के नाम, क्या कुछ ऐसी विशेषता है इस बार पौधारोपण की? नहीं, अब की बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी का माने विशेष माने आह्वान है कि पूरे देश के सभी नागरिक माने जो है अपनी माँ के सम्मान में अपनी माँ के साथ माने एक पौधा माने लगाएंगे और उसको मेरी लाइफ पर अपलोड करेंगे। इसी क्रम में माने जो है पूरे माने जो है जन माने बस्ती जनपद को जो हमारा लक्ष्य है 38.86 लाख का, उसका लगना है और उसको मेरी लाइफ अपलोड पर माने अपलोड करना है। जी, सुनने में आ रहा है कि एक माँ बन है बन रहेगा, एक भाई बन, एक बहन बन, क्या इस तरीके से क्या कुछ जी? जैसे हमने बताया ना कि पौधा है, अब की बार जो भी पौधा लगेगा वो माने जो है अपनी माँ के सम्मान में लगेगा, इसलिए मात्र बन बनाने बनाया जा रहा है। भाई बहन जैसे माने जो है एक दूसरे को राखी बांधते हैं तो भाई बहन बन लगाया जाएगा, नदियों के किनारे अमृत धारा माने जो बन लगाया जाएगा, जो हमारे वेट लैंड है उनके किनारे भी पौधारोपण किया जाएगा वेट लैंड का, और जो 11 जनपद हमारे हैं वहां पर जो हमारे 150 साल से ज्यादा के वृक्ष हैं उनमें माने जो है 11 जनपदों में विरासत वृक्ष वाटिका भी बनाई जा रही है। ये माने प्रोग्राम है, भिन्न भिन्न वन बनाए जा रहे हैं, खाद्य वन बनाया जा रहा है, बाल वन बनाया जा रहा है, ये माने जो है भिन्न भिन्न प्रकार के वन बनाए जा रहे हैं। अक्सर सर ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुनने में आता है कि हम जब जाते हैं जमीनी हकीकत जानने के लिए तो वहाँ लोगों का कहना होता है, खासकर लोगों का, कि वन विभाग को फलदार पौधे लगाने चाहिए जिससे उनको लाभ मिल सके। तो इस बार जो पौधारोपण किया जा रहा है तो इसमें सर किस किस प्रकार के पौधे को शामिल किया गया है? अब की बार हमारे पास माने काफी अच्छी संख्या में माने जो है फलदार वृक्ष हैं, फल
फलदार वृक्ष के पौधे हैं, ग्राफ्टेड माने आम के पौधे हैं, अमरूद के पौधे हैं, नींबू के पौधे हैं, आंवला के पौधे हैं, सहजन के पौधे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हैं। जैसी जिसकी डिमांड होती है उसी हिसाब से वन विभाग उसको माने जो है पौध सप्लाई करता है। केवल वन विभाग ही पौधों की सप्लाई नहीं करता है, इसमें माने उद्यान विभाग भी पौधों की सप्लाई करता है, रेशम विभाग है वो अपनी नर्सरियों से पौधों की सप्लाई करता है। तो ये पूरे माने जो है पौधों की माने जो है सप्लाई भिन्न भिन्न प्रकार के माने जो है पौधों की जैसी जैसी डिमांड होती है उसी प्रकार से करता है। इसे खेतों पर लगाना है अगर सागौन लगाना सागौन लगाएगा, अगर कहीं फलदार लगाना फलदार लगाएगा। सब प्रकार के पौधे माने जनपद में मन मौजूद है और उसका माने जो है सप्लाई किया जाता है, जिससे जो पौधे ग्रामीण मांगते हैं उनको अनुरूप पौधा दिया जाता है। हाँ, उन्हीं के अनुरूप पौधा दिया जाता है। जो मांग ग्राम सभा की होती है हम उसी के हिसाब से माने पौधे देते हैं। विभाग द्वारा कोई थोपा नहीं जाता है? विभाग से थोपेगा, विभाग द्वारा कोई पौधा थोपा नहीं जाता है। ये आपको ये लगाना है? ना ना। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। जैसा कहते हैं कि अभियान कोई भी हो, जब तक उसमें जन सहभागिता ना हो तब तक वो सफल नहीं हो सकता। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं और उन्होंने जो है वर्चुअली के माध्यम से जन प्रतिनिधियों से बात भी किया है और कहा है कि वो खुद उन्होंने कहा है कि पर्यावरण का जो संकल्प है बिना जन सहभागिता के पूर्ण नहीं हो सकता है। तो इस अभियान को बस्ती जनपद में जन अभियान बनाने के लिए, जन सहभागिता अभियान के लिए बनाने के लिए क्या कुछ विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये किया जाएगा? नहीं, जैसे हमने बताया ना कि ये कोई वन विभाग का रोपण नहीं है, ये पूरा एक महाअभियान है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, और अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगाना है। इस संसार में माने जो है सबसे प्रिय होती है वो माँ होती है, तो इसीलिए माने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, जो भी पौधा आप लगाएंगे, किसी भी प्रजाति का पौधा लगाएं, वो माँ के नाम पर लगाएं, छायादार लगाएं, शोभाकार लगाएं, फलदार लगाएं, जो भी पौधा लगाएं अपनी माँ के नाम पर लगाएं। जब अपनी माँ के नाम पर लगाएंगे तो ये बट नेचुरल है कि आप उसकी माने जो है सुरक्षा भी करेंगे। केवल पौधा लगाना ही नहीं है, उसका सुरक्षा करना भी मेन मोटो माने जो है। सर, जन सहभागिता को प्रोत्साहन करने के लिए क्या? जन सहभागिता माने सभी ग्राम प्रधानों को, सभी जन प्रतिनिधियों को, सभी विभागों को, सबको माने जो है इसमें माने जो है इन्वॉल्व किया गया है, और जितने माने हमारे प्रचार मीडिया है सबको माने किया गया है कि माने जो है इसको ज्यादा से ज्यादा पौधे जन सहभागिता से लगाए जाए। केवल पौधे लगाए ना जाए, उसको बचाया भी जाए, पेड़ लगाए जाए, पेड़ बचाए जाए। तो अभी आपने देखा हमारे साथ डीएफओ बस्ती जेपी सिंह जी थे और उनका कहना है कि पेड़ लगाना ही जरूरी नहीं है बल्कि पेड़ को बचाना और देखभाल करना भी जरूरी है। आपका कहना है कि बस्ती जनपद में इस बार जो है जैसे कि एक मात्र बन है, इस तरीके से भाई बन बहन बन भी बनाया गया है, जन सहभागिता को शामिल करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभाओं से संपर्क लगातार किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आपका यह भी कहना है कि किसानों को, लोगों को उनके अनुरूप पौधे दिए जा रहे हैं, जो उनकी डिमांड है उसके हिसाब से पौधे दिए जा रहे हैं, ना कि विभाग द्वारा कोई ऐसा थोपा नहीं जा रहा कि आपको यही पौधा लगाना, यानी कि अगर किसान आम का पेड़ लगाना चाहता है तो उसको आम का ही पेड़ दिया जा रहा है। सहयोगी मोहम्मद टीपू के साथ धर्मेंद्र द्विवेदी, रफ्तार मीडिया, बस्ती।